दोस्तों शंकरनाथ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम पंचजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। शंख मंत्र और शंख ध्वनि के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम शंख ध्वनि की अगली स्टेप सीखने वाले हैं, जो इस प्रकार रहेंगे कि आपको या हमें शंख के ऊपर से मंत्र उच्चारण करना है। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे सारे एपिसोड देखे तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखे तो दोस्तों मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप स्टेप बाय स्टेप अवश्य देखिए। और जो नए लोग आज हमारे चैनल पे आए हैं, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं आपको बता दूं दोस्तों, शंकरा स्टूडियो का उद्देश्य यही है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देना, शंख के महत्व, उसके उपयोग, उसके रहस्यों के बारे में आपको बताना, और उसके साथ साथ शंख कैसे बजाना है, हम शंख के ऊपर से किस किस प्रकार के हम शंख ध्वनि बजा सकते हैं, ये आपको बताना, ये मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों शंख हमारे लिए बहुत उपयोगी है, शंख के कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैंने इसके पहले एपिसोड में आपको पहले से शुरू से बताते आ रहा हूँ। और दोस्तों शंख बजाना बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी लड़की जो है 8 साल की है, लगभग पिछले 5 साल से वो शंख बजा रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि शंख बजाना कितना आसान है, और शंख बजाने की जो टेक्निक है उसके बारे में आज आपको एक नई टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। जिनके पास शंख है वो शंख के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास शंख नहीं होता है उनको बड़ी मुश्किल होती है शंख खरीदने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों जिनके पास शंख नहीं है मैं उनके लिए आज एक नई टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जिनके पास शंख नहीं है वो हमेशा यही सोचती है कि अगर हमें शंख बजाना नहीं आता है तो हम खरीदे कैसे, या फिर पहले सीखे फिर खरीदे। और दोस्तों शंख बजाने का या उसके ऊपर खरीदने से पहले की जो स्टेप है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान है। जिनके पास शंख नहीं है वो शंख किस तरह से बजा सकते हैं, या जब आप मार्केट में शंख खरीदने जाएंगे तब आपके पसंद का शंख बजा के आप खरीद सकते हो, आपको उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो या कहाँ से शंख खरीदने जाते हो, अगर आपको शंख बजाना नहीं आता है तो अक्सर हम दुकानदार को बोलते हैं कि आप बजा के दिखाइए। शंख का जो व्यापारी होता है या जो दुकानदार होता है वो शंख बजाने में एक्सपर्ट होता है, वो कोई भी शंख आसानी से बजा सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कौन सा शंख बजाना जम रहा है वही आपको खरीदना है। तो फिर आप उसके लिए क्या करें, शंख कैसे सीखे, अगर आपके पास शंख नहीं है, किसी के पास आपके पास शंख अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो आप शंखों को कैसे बजा सकते। तो दोस्तों एकदम सीधा और एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर मार्केट में जाएंगे हार्डवेयर की दुकान के अंदर या घर के अंदर भी आपको इस तरह के छोटे पाइप्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको इस तरह के पाइप लेने हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो फिटिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके अंदर एक काले कलर का ब्लैक कलर का एक पाइप उस वायर को कवर करने के लिए यूज होता है, आप उस साइज का पाइप लेके आइए, लगभग एक फीट का, लगभग 10 या 12 रुपए तक मिल जाएगा, या फिर उससे सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो लेना है इस तरह से एकदम बारीक है। शंख का मुंह इतना बड़ा हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, जो काले वाला मुंह अगर आप लेंगे तो वो भी आपको आसान करेगा। मेरे पास ये घर के अंदर था तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि आपको ये शंख है। और आपको करना क्या है, शंख बजाने की जो पहली टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है, जो नए लोग है उनको बता दो, अपने यहाँ से होठो से एक वाइब्रेशन निकालना है इस तरह से, इस वाइब्रेशन से आप शंख बजा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपके पास शंख नहीं है तो आप इस तरह का पाइप लेके आइए और इसके अंदर से वाइब्रेशन निकालिए इस तरह से, तो आपको वाइब्रेशन इस तरह से निकालना है। तो अगर आप इस पाइप के ऊपर से अगर आप इस तरह की ध्वनि निकाल सकते हैं तो आप शंख आराम से बजा पाएंगे। जब तक आपके पास शंख अवेलेबल नहीं होता है, आप जब तक आप नहीं खरीद पा रहे हो, तब तक आपको इस पाइप के ऊपर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके ऊपर की हुई प्रैक्टिस और शंख के ऊपर की हुई प्रैक्टिस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से शंख बजा पाएंगे कोई भी शंख हो तो। दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया, और जिनके पास शंख है वो शंखों को कैसे बजा सकते हैं, आपको शंखों को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है
और जो वाइब्रेशन मैंने इस पाइप के अंदर से निकाला वही वाइब्रेशन आपको शंख के अंदर से निकालना है ताकि आप शंख बजा सकते हो। और इसकी जो स्टेप है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको शुरू से अब तक के जो एपिसोड हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ शंख ध्वनि, आप उसको अवश्य देखिए, आपको शंख बजाना आराम से आएगा। अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से सहायता करूंगा, आपका पूरा गाइडेंस करूंगा आपको। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आज जो हम जो नई स्टेप सीखने वाले जिसके अंदर से हमें मंत्र उच्चारण करना है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि अब तक के हमने जो शंख ध्वनि आपने सीखी है या मैंने आपको बताई है उसकी एक बार रिवीजन कर दी ताकि जो नए लोग आए उनको भी पता चले कि इसके पहले हमने किस किस तरह की शंख ध्वनि हमने बजाई हुई है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहली स्टेप से। तो सबसे पहले हमने लिया था पांच पॉश के ऊपर से हमने शुरुआत की थी, पॉश कैसे लेना है किस तरह से लेना है ये मैंने शुरू में बताया हुआ है, हर एक स्टेप के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। अभी हम डायरेक्टली सीधा शुरू करते हैं पहली स्टेप दूसरी स्टेप तीसरी स्टेप। तो दोस्तों पहली स्टेप इस प्रकार है, हमें शंख के ऊपर से सिर्फ पॉश निकालना है, पॉश आना बहुत जरूरी है, हर स्टेप के अंदर उसकी जरूरत आपको पड़ती है लगती है, ये जो हमेशा देखने वाले जो हमारे यूजर है जो शंखवादक है वो समझ चुके होंगे कि पॉश हर स्टेप के अंदर बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमें पॉश के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, पॉश किस तरह से आएगा इस तरह से पूरी ताकत के साथ में एक ही आवाज आना चाहिए, लंबी श्वास लेनी है और एक सेकंड के अंदर आपको पॉश छोड़ना है, वो इस प्रकार से रहेगा। तो ये पॉश लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमने देखा है लंबे ध्वनि के साथ पॉश लेना है, उसके बाद हमने देखा लंबे ध्वनि के साथ तीन पॉश लेना और इस तरह से, उसके बाद हमने देखा पांच पॉश के साथ लंबा ध्वनि, बात की जो स्टेप है दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं ये जो तीन स्टेप मैंने आपको बताई लंबे ध्वनि के साथ पॉश, लंबे ध्वनि के साथ तीन पॉश, लंबे पॉश के साथ लंबा ध्वनि, ये तीन स्टेप और आगे की जो दो स्टेप मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये पांच स्टेप आप पूजा पाठ होम हवन के वक्त आप बजा सकते हैं या इसी प्रकार की शंख ध्वनि आपने सुनी होंगी या फिर इस तरह की लोग बजाया करते हैं और आपको इसी प्रकार की शंख ध्वनि बजानी है। और उसके अलावा जो मैं आपको स्टेप सिखाने वाला हूँ उसको आप एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख सकते हो या फिर आप जहाँ पे ग्रुप के साथ में या फिर आपके दोस्तों को कुछ नया दिखाना चाहते हो तो ये सब नया है तो आप उनको ये बजा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ के वक्त आपको सिर्फ पांच प्रकार के शंख ध्वनि है जो आपको यूज करना है या फिर आपको उसी प्रकार की शंख ध्वनि आपको बजानी है। तो अगली स्टेप हमारी इस प्रकार है तु 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 तु, उसके बाद हमने देखा है तु 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 तु, ये स्टेप है, ये दो नई स्टेप है आप पूजा पाठ के ऑफिस आपको इसको नहीं बजानी है। उसके बाद हमने देखा है तू 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 तू, उसके बाद हमने देखा है टाक टटाक टटा टटाक टाक, तो ये है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों जिसे हम तुतारी स्टेप बोलते हैं, तो आप इस प्रकार की शंख ध्वनि भी आप पूजा पाठ के होम हवन के वक्त बजा सकते हो। तो तुतारी की स्टेप इस प्रकार है, तो इस प्रकार की हमारी तुतारी की स्टेप है, आप इस प्रकार से भी बजा सकते हो। उसके बाद हमने देखा है ये अब तक स्टेप है। इसके बाद हमने देखा है जो स्टेप या ध्वनि आपने महाभारत के अंदर सुनी हुई है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से बजानी चाहिए, तो ये स्टेप हो ये इस प्रकार है,
तो दोस्तों पहले बताई हुई चार स्टेप और ये स्टेप पांचवी स्टेप, ये पांच स्टेप या पांच शंख ध्वनि आप पूजा पाठ होम हवन के वक्त बजा सकते हैं, बजाए आप उसी प्रकार की शंख ध्वनि बजाए उसके बाद में उसके अलावा जो शंख ध्वनि मैंने आपको बताई या आप एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसे बजा सकते हो। और आज जो हम नई स्टेप सीखने वाले हैं, जो स्टेप है जिसके अंदर से हमें मंत्र उच्चारण करना है। दोस्तों आज का मंत्र उच्चारण की शुरुआत हम करते हैं मोरिया के ऊपर से, जो गणेश जी है, गणेश जी से हम शुरुआत करते हैं। हमें बोलना है मोरिया मोरिया, सिर्फ मोरिया मोरिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप मंत्र उच्चारण करेंगे जिस टोनिंग के साथ में मंत्र उच्चारण अपने मुंह से करेंगे उसी प्रकार की शंख ध्वनि आप शंख के ऊपर से बजा पाएंगे। आपको एक और एक खास बात बता दूं दोस्तों, शंख के अंदर से जो निकलने वाला ध्वनि है ये ओमकार स्वरूप शंख ध्वनि है। तो आपको ओमकार को इस प्रकार से बजाना है कि जिसके अंदर से आपको जो मंत्र उच्चारण है वो आसानी से समझ में आए। तो आज हम सीखने वाले हैं मोरिया मोरिया। तो हमें शुरुआत किस तरह से करनी है, अपने होठों से जो वाइब्रेशन निकालते हैं उसी के ऊपर से हमें पहले मोरिया मोरिया इस तरह से बोलना है, मोरिया मोरिया, ताकि हम उसी प्रकार के वॉल्यूम के साथ उसी प्रकार के जोश के साथ हम शंकर के ऊपर से ध्वनि निकाल सके। तो आज की हमारी स्टेप है इस प्रकार है, मोरिया मोरिया। दोस्तों आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, शंख की जो ध्वनि है आप किसी डिवाइस के ऊपर सुनते हो तो उसके अंदर डिफरेंस आता है, और आज अगर आप शंख ध्वनि सामने से सुनते हो, खुले इसके अपने सामने ही शंख ध्वनि सुनते हो तो उसका शंख ध्वनि सुनने में अलग आता है। तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये हम मोरिया मोरिया ही बोल रहे हैं। तो हमें मोरिया मोरिया इस प्रकार से, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोरिया मोरिया हमें अपने पहले अपने होठों से अपने मन के अंदर या अपने जोर से उसको उच्चारण कर रहा है मोरिया मोरिया, फिर शंख के ऊपर से वाइब्रेशन करना है। बहुत आसान है, आप शंख के ऊपर से उसको आराम से बजा पाएंगे। अगर आपने हमारी शुरू से लेकर अब तक की सारी स्टेप अगर आप फॉलो करते आ रहे तो आपको ये आसान रहेगा। तो हमें शंख के ऊपर से मोरिया मोरिया बोलना है इस तरह से, फिर से आप देखिए। मोरिया 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 मोरिया। दोस्तों इस प्रकार की हमारी ये शंख ध्वनि है। दोस्तों शंखनाद स्टूडियो के बारे में जो अब तक के सारे एपिसोड हुए, शंख का महत्व, आइडेंटिटी ऑफ शंख, जिसके अंदर शंख के महत्व का जो है एपिसोड हुए है उसके अंदर मैंने शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। उसके साथ हमने आइडेंटिटी ऑफ शंख भी रखे, आप सभी जानते हैं कई प्रकार के शंख, अलग अलग आकारों में शंख आपने देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आपको उसके बारे में उसके नामों के साथ उसके महत्व उसके उपयोग आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आइडेंटिटी ऑफ शंख, जिसके अंदर मैंने शंख की पहचान आपको बताई हुई है फोटो के साथ में, आप उसको अवश्य देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा शंख का नाम क्या है, उसका उपयोग उसके महत्व क्या है। और शंख ध्वनि पार्ट्स करके जो प्लेलिस्ट है इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसका अवश्य देखिए ताकि शंख खरीदने से लेके अब तक की सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप देते आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसको आप अवश्य देखिए, और देखने के साथ साथ आप इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो दोस्तों इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए, शंख ध्वनि की अगले नई स्टेप सीखने के लिए शंखनाद स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम।